अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान। मैं अपनी सभी भाइयों का और माता बहनों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा मुर्गे के पंजे से वशीकरण कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया गोल है, मेरी हर बात का मोल है। ये उपाय बहुत आसान तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ दोस्तों ये उपाय बहुत ही असरदार है। ये आसान नहीं, क्योंकि मुर्गे के पंजे से वशीकरण है, पर दोस्तों ये उपाय बहुत असरदार है। इस उपाय से हजारों मेरी माता बहनों का, भाइयों को 100% रिज़ल्ट मिल चुका है, और मुझे भी इस उपाय से 100% रिज़ल्ट मिला है। तब जाकर के मैंने इस उपाय को आपके सामने रखा है। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, कुछ लोगों को तो अब भी विश्वास नहीं होगा कि मुर्गे का पंजा इस काम भी आता है, पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ मेरे कहने पर एक बार प्रयोग करें, मैं आपको इस उपाय की 100% गारंटी देता हूँ। ये 100% प्रभावशाली है। इस उपाय से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आप लोग इतने उपाय करते हैं, इतनी विधियां करते रहते हैं, पर उनका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। सिर्फ एक बार मैं कहता हूं दोस्तों, सिर्फ एक बार मेरे कहने से इस उपाय को करें, यकीन के साथ करें। मैं इसकी आपको 100% गारंटी देता हूं कि ये उपाय मुर्गे के पंजे से वशीकरण, जो ये उपाय है, ये आपको 100% गारंटी दिलाएगा, और आपको 100% रिज़ल्ट भी मिलेगा इस चीज़ का। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये बहुत से लोगों का करा हुआ और मेरा भी करा हुआ है। तो दोस्तों, इसको 100% कीजिए, ये आपको 100% बेनिफिट दिलाएगा। तो ये उपाय बहुत ही अनोखा और असरदार है। मेरे कहने से सिर्फ एक बार ही आपको इसको करना है, दूसरी बार इंशाल्लाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये उपाय सिर्फ 32 घंटे के अंदर अंदर काम करता है। मैंने अपनी आंखों से इस चीज़ का परिचय किया है कि ये सिर्फ 32 घंटों के अंदर अंदर अपना काम शुरू कर देता है। और दोस्तों हम आपके सामने लाइव वशीकरण इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपको सारा उपाय अच्छे से समझ आए, और आपको इस उपाय को करने में कोई गलती ना हो, और आपका वशीकरण आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण जैसी हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये एक ऐसा उपाय है जिसको आप खुद कर सकते हैं। किसी को भी, किसी बाबा को या किसी पंडित या मौलवी से काम करवाने की, या किसी को पैसे देने की, या किसी के आगोश मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को आप खुद कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। हम वीडियो लाइव इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी काम के अंदर ना हो। तो और ये ढोंगी बाबाओं से, पाखंडी बाबाओं से आप बचें, जो आपके पैसे लेकर के आपका समय और आपके पैसे दोनों बर्बाद करते हैं। तो इस उपाय, बहुत अच्छे अच्छे हम आपके उपाय लेकर आते हैं, आप इनसे खुद ही वशीकरण कर सकते हैं। किसी के पास जाने की या किसी को बात करने की किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद करें और लाइव रिज़ल्ट देखें। ये मेरा 100% किया हुआ है, आपको उसका 100% रेस्पॉन्स मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 100% ये मेरी गारंटी है। इस मुर्गे के पंजे से वशीकरण जो करेंगे ना, वो 100% असरदार है। किसी का भी आप वशीकरण इस उपाय से कर सकते हो। पर याद रखिए, आपका मकसद अच्छा हो। तो चलिए दोस्तों, हम देरी ना करते हुए बताते हैं मुर्गे के पंजे से वशीकरण कैसा होता है। इसमें सबसे पहले, इसमें तीन चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी। एक मुर्गे का पंजा, जो आप देख रहे हैं, ये असली होना चाहिए, मुर्गे का पंजा। और एक पेन कोई भी चलेगा, और एक जितना बड़ा ये मुर्गे का पंजा है उतना ही बड़ा कागज़ लेना है। देखो आप नाप के, मैंने इसमें देखा है तो ये बराबर है दोनों, इतना ही बड़ा आपको पेपर लेना है जितना बड़ा मुर्गे का पंजा है। तो आपको करना क्या है इस पर, सबसे पहले आपको
इस पेपर पे उसका नाम लिखना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ लिख करके। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जिसका वशीकरण करना चाहते हो उसका नाम लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी का जिसका वशीकरण भी आप करना चाहते हो वो उसका नाम है सिमरन कुमारी, सिमरन कुमारी हमने लिख दिया। उसके बाद लिखना है हमें ब्रैकेट में लगा के ऐसे माता जी का नाम, जी मैंने साइड में एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, आपको लिखना है कोई दिक्कत नहीं। अगर लिख दोगे, अगर नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं उसमें। जैसे सिमरन कुमारी का माँ का नाम है लता देवी। फिर दो हमें स्वास्तिक के इसमें निशान बनाने हैं, दो लोगों का आपस में मिलना चाहते हो तो दो स्वास्तिक के निशान, अगर तीन को कोई आपस में करना चाहता है तो उसमें तीन आएंगे। और लड़का है अगर तो लड़के का जो वशीकरण करना चाहता है स्वास्तिक के निशान बनाकर उसका नाम, जैसे कि विवेक कर रहा है सिमरन का तो सिमरन का नाम ऊपर आ गया, इसकी माँ का नाम आ गया, जो कर रहा है विवेक कर रहा है तो विवेक का नाम विवेक कुमार, और फिर उसकी माँ का नाम सीमा देवी, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है। इतना करके आपको करना क्या है, मुर्गे के पंजे पे यहाँ पर उस लड़की का नाम लिखना है बस जिसको आप वश में करना चाहते हो, यानी कि जिसको भी आप वश में करना चाहते हो, जरूरी नहीं कोई लड़की हो, कोई भी हो जिसको आप वश में करना चाहते हो, उसका नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिख करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लिख करके कैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया इस पे, कैसे लिखा है इस पे, ये से है ई मैं रैन है सिमरन, जिसका वशीकरण करना है उसका नाम लिखना है आपको। तो ये चीज़ लिख करके आपको करना क्या है, सिर्फ ये करना है आपको पेपर पे रख के इसको जैसे ये फोल्ड हो वैसा कर लेना है, ऐसे मान लो ये ऐसे फोल्ड हो गया, इसको फोल्ड करके बस आपको 2 या 3 इंच फोल्ड करके 2 या 3 इंच जिसके गड्ढे के अंदर ये आ जाए, आराम से दफन हो जाए, उसमें इसको मिट्टी में दफनाना है बस आपको, भाई इतना आपको करना है। और इससे सिर्फ 32 घंटे, इसको विधि को आपने कर लिया तो सिर्फ 32 घंटे में मैं 100% गारंटी देता हूँ उस काम की कि ये आपको ज़रूर बेनिफिट दिखाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक गुजारिश करूँगा, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।